बिल दीजिए, लाइए 150 वाला। भैया हम 80 रुपए का आपको देंगे, आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हमें पता है। पता है ना, 80 रुपए का तो अलाउ नहीं, तो आप बेच रहे हो ना। तो हमें आप मना तो नहीं किया। यदि आपको रसीद नहीं मिलती है तो आपका भोजन निःशुल्क होगा, इसलिए आ गया। अब आ गया, हाँ सही है, थैंक यू। चीज़ है भाई, थाली में ही बिल दिया जा रहा है। कैसा लग रहा है दाल? नमक थोड़ा कम है। ठीक अच्छा, है खिलाए, बगल खिलाए, दिखाओ क्या हो गया। क्या हाल चाल है आप सभी की? सो आज की जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 12656 नवजीवन एक्सप्रेस में, जो कि रोजाना सुबह 10:10 पे चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन से निकलती है और आपको अगले दिन शाम 6 बजे अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पहुंचाती है। सो तो हम लोग इस ट्रेन से लगभग 1890 किलोमीटर की दूरी तय करने वाले हैं 42 हर्ट्ज के साथ 31 घंटा 50 मिनट में। और ये जो ट्रेन है ये आती है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे चेन्नई सेंट्रल के। तो चलिए चलते हैं फटाफट, और ट्रेन जो है अपनी लगी हुई है। तो भाई अब हम लोग आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे, और आज जो है नवजीवन एक्सप्रेस में हम लोग जो जर्नी है वो होने वाली है 3rd AC कोच में। कोच है B1, सीट है 6 नंबर अपर बर्थ, और ये अपनी सीट 6 नंबर अपर बर्थ। बैग हमने वहाँ रख दिया है, लगेज हमने नीचे रख दिया है। तो यहाँ से अभी फिलहाल हम लोग ले रहे हैं 2 इडली 2 वड़ा, चटनी नहीं था इनके पास, सिर्फ सांभर ही है, और ये समोसा भी आपको मिल जाएगा। टाइम हो रहा सुबह के 9:45, तो अभी भी लगभग 25 मिनट्स का समय बाकी है। तो सोच रहे कि ब्रेकफास्ट कर लें, क्या है कि चेन्नई में ब्रेकफास्ट करके हम नहीं चले थे, तो स्टेशन पे ही इडली वड़ा हमने लिया, 2 इडली 2 वड़ा 35 का। वैसे थोड़ा ठंडा है लेकिन भैया बोल रहे हैं फ्रेश है, तो चलिए ट्राई करते हैं। तो भाई अपनी ट्रेन निकल चुकी है चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन से। भाई अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ से ले रहे हैं ये मसाला टी, ये मुझे पड़ा 20 का। वैसे अदरक इलायची ये भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे। अगर मैं चाय की टेस्ट की बात करूँ तो भाई चाय सही है। वैसे ट्रेन में आपको 10 वाली भी चाय मिलेगी, लेकिन 10 वाला चाय का कैसा टेस्ट होता है आपको पता है, उसमें पूरा पानी ही रहता है। तो हम भी कोशिश करते हैं कि जब भी ट्रेन जर्नी करें तो पैकेट वाला चाय है ना वो लें, नहीं तो टी बैग लें। ठीक है, सही है, मसाला टी। वेज थाली, वेज बिरयानी। तो ये पेंट्री में बना है कि बाहर से? ये पेंट्री वाला है। तो ऐसा कब कब तक मिलेगा? 1:30 बजे। 1:30 बजे सीट नंबर 7 कौन सा कोच? इसी कोच 7 नंबर ना? हाँ, B1 7 नंबर। वेज थाली कितना? वेज थाली एक ओनली वेज ही बनता है भैया जी। हाँ तो ये मतलब कितने का थाली है? 150 का। 150 का जी। अच्छा, अभी फिलहाल हम लोगों ने वेज थाली का ऑर्डर कर दिया है भाई। वेज थाली दिया जा रहा है 150 का स्ट्रेन। चलिए कोई नहीं, देखिए हम आप सभी को बिल के लिए क्यों बोलते हैं। ये मेरी कोच है B1, गेट से जैसे ही बाहर निकलिएगा, ये ऐसा नहीं कि इसी ट्रेन में, हर ट्रेन में आपको गेट के पास ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ तो दिया गया है कि भाई ये कोच कहाँ बना, वो सारा चीज़ डिटेल्स है यहाँ पर दिया गया। उसके नीचे देखिए लिखा हुआ है, पहले रसीद फिर भुगतान, रसीद आपका अधिकार है, यदि आपको रसीद नहीं मिलती है तो आपका भोजन निःशुल्क होगा। इसलिए हम बार बार बोलते हैं भाई कि खाने का बिल जरूर ले। तो भाई लगभग 140 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का दूसरा हॉल्ट बुदुर जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है GDR, और यहां पर इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। और हम लोग की ट्रेन पहुंची है यहां लगभग 15 मिनट डिले। और गुदुर जो है ये आंध्र प्रदेश के नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में आता है, प्लेटफॉर्म यहाँ 5 है, और अभी फिलहाल यहाँ रोजाना लगभग 183 ट्रेन आकर रुकती है। और गुदुर जो है ये फेमस है माइका इंडस्ट्री के लिए। अब माइका के बारे में बताते, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, माइका एक खनिज है जिसका यूज किया जाता है खास तौर पे कॉस्मेटिक आइटम बनाने में, इलेक्ट्रिक आइटम बनाने में, और पेंट बनाने में। पेंट मतलब शर्ट पेंट वाला पेंट नहीं,
होताई वाला बैंड। वैसे अभी तक की जर्नी में सबसे अच्छी बात क्या रही मालूम है भाई, मुझे आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। वेज थाली 150 की बेची जा रही है जो कि काफी अच्छी बात है। अब आएगा ना मजा वीडू। गाड़ी निकले हुए 3 घंटा भी नहीं हुआ है कि अपने कोच के वॉशरूम का पानी ख़त्म हो चुका है। और दूसरी बात कि इस ट्रेन पर अगर आप जर्नी कीजिएगा ना तो पेट्रोल में तो टॉवल मिलता है हर एक ट्रेन में, लेकिन इधर अभी नहीं मिलता है। हमने भैया को अभी बोला कि भैया क्यों नहीं मिला, दूसरे ट्रेन से आए उसमें तो टॉवल मिला था। तो वो बोले कि चेन्नई सेंट्रल वाली जितनी भी ट्रेन है उसमें टॉवल नहीं मिलेगा। वो लोडिंग लिस्ट दिखाने के लिए तैयार थे। हम तो चलो ठीक है भाई, क्या करें, नहीं मिलेगा तो रुमाल लेके तो चलते ही है। भाई लगभग 32 घंटे की जर्नी है तो बेडशीट वगैरह बिछा लेते हैं अभी, कि क्या है कि हर स्टेशन तो कवर नहीं कर सकते हैं। टोटल 42 हॉल्स हैं तो कुछ स्टेशन कवर करेंगे, जो स्टेशन को हमने कवर नहीं किया है या जो बड़ा स्टेशन है उसको कवर करेंगे। वैसे बेडशीट वगैरह लगा लेते हैं। भाई दूसरे को खाते हुए देखकर हमको भी भूख लग गया है। टाइम 1:37, अभी तक खाना ऑर्डर लेके गए हैं तो भैया आए नहीं है, आएंगे उसके बाद देखते हैं। खाना का नाम लेते ही खाना आ गया अपना। हाँ एक ही बार चेन्नई वहाँ तक जा रहे अहमदाबाद तक एक ही बार लीजिए। लेकिन भैया ये थाली 150 का किसी हिसाब से दे रहे हो आप। भैया 150 का है, आप बता दीजिए किनको। बता दीजिए जी, मेरे को बता दीजिए आपको जो सा चाहिए जो सा मिल जाएगा। 150 का नहीं, आपको जो सा चाहिए वो लोग जो नहीं। आप बोले कि वेज थाली सिर्फ 150 का है आपके पास, 80 वाला है ना मिल जाएगा वापस कर दो। तो 80 वाला बोलना चाहिए था ना, तो फिर आप ऑर्डर लेते हैं तो उस वक्त आपको बोलना चाहिए कि 80 की भी थाली है 150 की थाली है, लेकिन आपने ऑर्डर नहीं लिया। आपको हर कस्टमर को थोड़ी नहीं, हर कस्टमर क्यों नहीं बताइएगा, ये बेचना अलाउ है क्या? नहीं नहीं, आप ये मुझे बताइए ये बेचना अलाउ है, रेलवे अलाउ करता है क्या? ये मना किया हमको नहीं चाहिए, तो आपको मना तो नहीं किया हमको। नहीं नहीं, तो आप ऑर्डर लेने वक्त आपको पूछना चाहिए था कि नहीं पूछना चाहिए था? आपको बोलना चाहिए हमको 80 वाला। 80 वाले हम कैसे बोलेंगे, आप बताइएगा तो ना मेरे पास क्या है। आपने बताया मुझे, मुझे ऐसा नहीं बताते भैया। नहीं नहीं, ये गलत बात है, अगर आपके पास दोनों थाली है तो आपको बताना चाहिए पैसेंजर को कि मेरे पास तो मिल जाएगा। आप बोलिए जल्दी बोलिए, थोड़ा काम लेट हो गया। हमको तो चाहिए वही थाली चाहिए, ये तो बेचना अलाउ नहीं है, आप बेच रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। ठीक है, नहीं तो आप दीजिए यही 150 का दीजिए, इसका बिल दीजिएगा आप। तो फिर इसका बिल दीजिए, लाइए 150 वाला। भैया हमको 80 रुपए का आपको देंगे, आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हमें पता है। पता है ना, 80 रुपए तो अलाउ नहीं, तो आप बेच रहे हो ना, तो आप मना तो नहीं किया आपको 80 रुपए। ठीक है, कितने देर में मिल जाएगा? 10 मिनट। ठीक है आइए, आप। तो देखिए अभी क्या हुआ कि मतलब खाना का ही ऑर्डर ले रहे थे, 80 का हमको बताया नहीं, 150 की थाली सिर्फ बताया, बोले वेज थाली सिर्फ मिलेगा, वेज बिरयानी मिलेगा। ठीक है, लेकिन अब देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं तो बोले कि अरे आपको बोलना चाहिए ना 80 की भी थाली है। दही दही नहीं, क्यों नहीं है? दही तो भिजवा दीजिएगा। अरे क्यों नहीं होता भैया, 80 की थाली में दही नहीं आती है क्या? 80 की थाली में दही आती है। पराठा 3 कर दिया है। कहाँ पराठा 3 कर दिया? पराठा क्यों नहीं दीजिएगा? वही आएगा भैया, देख लीजिए दो ही तो इसमें, 3 पराठा की 2 है, 3 है काउंट किए हैं। अच्छा ठीक है, आप तो भाई अभी थाली तो अपना आ गया 80 वाली थाली, लेकिन इसमें क्या हुआ कि दही नहीं दिए वो। हम बोले भाई दही कहाँ है, तो बोले पराठा 3 कर दिया। ऐसे थोड़ी होता है, हमने तो नहीं बोला 3 पराठा कीजिए, लेकिन मेन्यू में जो होता है वो तो मिलना चाहिए ना भाई। अब क्या करना है, कैसे कर दो? बिल लेके आइएगा तब तो। बिल भी चाहिए? हाँ, बिना बिल का हम खाते नहीं है। और ये बताइए 2-3 पराठा ये क्या सिस्टम है? अच्छा 2 पराठा आता है तो इसके बदले मतलब 1 पराठा दीजिएगा तो दही नहीं दीजिएगा क्या? मेन बात क्या है कि मेन्यू में जो है वो चीज आपको देना है ना जी। तो ठीक है, तो ये सबको देना चाहिए ना, हमको देने से नहीं होगा। क्यों नहीं लेता है? स्पेशल तो आप ऑर्डर लेने वक्त उसको बोलिए ना कि भैया 80 की भी थाली है, तो गलती तो किए ना आप। तो भाई अब जाकर ये दही आ चुका है अपना, ये हुई 80 की थाली। अब हुई ना बात, इसमें देखिए आपको मिल जाएगा ये चने की सब्जी, काबुली चना का सब्जी है, साथ ही दाल है। दाल देखने में तो भाई क्या ही बताए यार,
ट्राई करते हैं, देखते हैं। वैसे देखने में ओके ओके लग रहा है। ये राइस है, राइस जो है ये गरम है, साथ में दो पराठा दिया गया है, और ये दही मंगवाए हैं, और ये अचार है। और मुझे पता है इस तरह से खाना ना मुझे ही दिया गया, दूसरे लोगों को इस तरह से खाना नहीं दिया गया हुआ, क्योंकि वीडियो बना रहे थे ना इस वजह से। वैसे ट्राई करते हैं, देखते हैं दाल कैसा है। दाल सही है, लेकिन इसका थिकनेस सही नहीं है, बस खाने लायक है। हल्का स्पाइसी है चने की सब्जी, लेकिन है सही। और राइस देखे, राइस तो गर्म था, राइस भी हल्का गर्म है। तो चलिए फटाफट हम लोग ये लंच को कंप्लीट करते हैं। तो क्या है ना कि अपर बर्थ है, अभी मेरे को पैसेंजर के हाथ मेरा फोन है, वो वीडियो शूट कर रहे हैं। तो खा लेते हैं, सुबह खाने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। बीच ब्रिज पे हम लोग की ट्रेन अभी रुकी हुई है, और भाई पानी का फ्लो है भाई साहब, बहुत ही खतरनाक वाला। लगभग 430 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 9वां हॉल्ट, विजयवाड़ा जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है BZA। और यहां पर इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है, और हम लोग ट्रेन पहुंची है लगभग 15 मिनट डिले। और विजयवाड़ा जो है ये आंध्र प्रदेश में आता है, प्लेटफॉर्म यहां 10 है, और अभी फिलहाल यहां रोजाना लगभग 340 ट्रेन आकर रुकती है। और विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन वन ऑफ द बिगेस्ट रेलवे स्टेशन में, इस रेलवे स्टेशन का चौथा स्थान है, पहला हावड़ा, दूसरा कानपुर, तीसरा न्यू दिल्ली, चौथा विजयवाड़ा। और हम लोगों ने जो लंच ट्राई किया था भाई साहब, उसका बिल आ चुका है 80 की थाली। हमने बोला भैया हम तो लास्ट तक जर्नी कर रहे हैं अहमदाबाद तक, एक ही बार दे दीजिएगा। भैया ने बोला नहीं, अब लीजिए खाना साथ में बिल भी लीजिए। हमने चलो अच्छी बात है। वैसे एक बात है भाई, इस ट्रेन में सिर्फ वेज थाली मिल रही है, मतलब अंडा थाली, चिकन थाली हमनी के नहीं मिली, क्या करें, जो भी है काम तो चलाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन मुझे लगता है जैसे अभी लंच में दिया गया जो सब्जी उसे चेंज करके दिया जाएगा, रात में कुछ और दिया जाएगा, कल के लंच में कुछ और दिया जाएगा, ऐसा होना चाहिए, देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। और विजयवाड़ा में अपने वॉशरूम की साफ सफाई हुई है, और पानी नहीं आ रहा था टैप में, अब आना स्टार्ट हो चुका है। आ गया, अब आ गया, हाँ सही है, थैंक यू। और आप लोग के लिए हम वीडियो जो है वहाँ सीढ़ी के नीचे खड़ा होके वहाँ शूट कर रहे थे, क्योंकि हो रही है हल्की हल्की बारिश, और यहाँ पे ना अभी तक भाई साहब 2 पैसेंजर यहाँ पे गिर चुके हैं। क्या है कि नीचे टाइल्स लगा हुआ है, और टाइल्स बीच में टूटा हुआ है कहीं कहीं, अब पानी में पता नहीं चलता, लोग गिर जाते हैं। क्लिप इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आप भी सतर्क रहे जब भी ट्रेन जर्नी करते हैं। अगर आपका साइड लोअर, साइड अपर या कोई भी बर्थ हो, तो ट्रेन जर्नी करने के दौरान अपना फ़ोन अपने जेब में रखें,
अपने बैग में रखे जब भी आप सोने जाते हैं। अब देखिए ये मेरे को पैसेंजर हैं, मतलब ये सोए हुए हैं, इनका फ़ोन मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए इनका फ़ोन यहाँ पे रखा हुआ है। अब क्या है कि कोई भी अगर इधर से कोई भी अगर स्टाफ आते हैं जाते हैं या कोई भी पैसेंजर अगर चाहे तो फ़ोन वहाँ से लेकर इजीली जा सकता है, फिर ये खोजते रह जाए कि नहीं पता ही नहीं चलेगा कि फ़ोन इनका कहाँ गया। सौंप दीजिएगा भैया। थैंक यू भाई, देखने में तो अच्छा लग रहा है, चलिए ट्राई कर। अपर वाले बर्थ में यही प्रॉब्लम होता है कि बैठ के आप व्लॉगिंग नहीं कर सकते हैं, खाते हुए नहीं दिखा सकते। अब मेरे जो को पैसेंजर थे जिनका साइड अपर था वो भी बाहर गए हुए हैं, वैसे चलिए सूप ट्राई करते हैं, दिखाते हैं आपको कैसा है। पानी सही है भाई। सो गाइस, तो अभी टाइम हो रहा है शाम के 8:25 और अपना डिनर आ चुका है। वैसे अपनी जो ट्रेन है लगभग 2 घंटा 5 मिनट डिले है और बाहर हो रही है ज़ोरदार बारिश। वैसे डिनर में आपके पास इस ट्रेन में कोई ऑप्शन नहीं है वेज के अलावा, क्योंकि नॉन वेज इसमें मिलता नहीं है। आपको डिनर हो लंच हो हमेशा आपको वेज थाली मिलेगा, साथ ही वेज बिरयानी का ऑप्शन है। सिर्फ 2 ही ऑप्शन आपके पास है नवजीवन एक्सप्रेस में, तो चलिए। लेकिन हाँ, मुझे लगता है इसे लंच में जो सब्जी दिया गया था वो चेंज होगा, अभी देखते हैं कैसा है। और भाई इस बार भाई साहब पहले से ही ये देखिए दही लेकर ही आए, सही है। ये रही अपनी वेज थाली 80 वाली, तो चलिए इसको करते हैं अनबॉक्स, उसके बाद फिर आपको। वैसे अपना जो सीट है अपर बर्थ है, लंच तो जैसे तैसे कर लिए और आपको दिखाए खाते हुए, लेकिन क्या है कि ऊपर होता है दिक्कत खाने में, तो अभी आ गए हैं नीचे क्योंकि यहाँ पे जो पैसेंजर थे वो अभी पीछे गए हुए हैं, आराम से यहाँ खा रहे हैं, खा के आपको दिखाते हैं। और पैकिंग देख रहे हैं बिल्कुल जैसे राजधानी में खाना दिया जाता है उसी तरह से दिया गया है, ये देखिए मस्त पैकिंग है। तो चलिए इसको करते हैं, और अभी भी भाई पराठा ही मिला लग रहा है मुझे। हाँ, ये 2 पराठा है, पराठा इस बार वाला गर्म है, सही है। और ये अचार है भाई, और ये फिर से दही, और इसमें पता नहीं कौन सी सब्जी है, भूल गया भाई। ये आलू और मटर की सब्जी है, और इसमें कौन सा सब्जी है, ओए होए सॉरी दाल, दाल है, दाल है, दाल दाल दाल, ये रहा दाल। और दाल तो सही लग रहा है भाई, लंच में उतना सही नहीं था लेकिन अभी लग रहा है सही है। और जीरा राइस, इसमें जीरा राइस, मतलब अंकल को सारा चीज पता है मेन्यू पहले से। सही है, किसका बात कर रहे हैं? वाइफ का नहीं, आपको आपको बोले पहले से पता है मेन्यू में क्या क्या है। प्लेन राइस, नॉट प्लेन राइस, प्लेन राइस है। तो ये प्लेन राइस दाल, और ये रहा आलू मटर की सब्जी। तो सब्जी में सिर्फ चेंजिंग किया गया है, वो उस वक्त चने की सब्जी थी, इसमें अभी आलू मटर की सब्जी है, हरे मटर की। भाई लगभग 640 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 12वां हॉल्ट वारंगल रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है WL, और यहां से इस ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग ट्रेन यहां पहुंची है लगभग 1 घंटा 25 मिनट डिले। वारंगल जो है ये आता है तेलंगाना, और वारंगल रेलवे स्टेशन से हैदराबाद की दूरी है बाय रोड लगभग 140 किलोमीटर, मतलब 3-3.5 घंटा आपको लगेगा। वैसे भाई वारंगल में हो रही है जोरदार बारिश, और वारंगल जो है ना ये फेमस है ग्रेनाइट के लिए, ब्लैक एंड ब्राउन ग्रेनाइट के लिए, और साथ ही रेड चिली के लिए भी फेमस है। खासतौर पे यहाँ का रेड चिली जो है ना वेस्टर्न इंडिया में जाता है, नागपुर पुणे मुंबई में जाता है, रेड चिली मतलब लाल मिर्च। वैसे अभी जो हम लोगों ने डिनर ट्राई किया ना भाई साहब, डिनर काफ़ी बढ़िया है इस ट्रेन का, नवजीवन एक्सप्रेस में आप जर्नी कीजिएगा, सिर्फ वेज खाना मिलेगा, लेकिन खाना जो भी दिया जा रहा है ना उसमें क्वालिटी है, क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा, ये अच्छी बात है।
सुबह, अभी टाइम हो रहा है रात के 11:19 और अभी फिलहाल हम लोग जो ट्रेन है वो रुकी हुई है मंचिया रेलवे स्टेशन पे। और भाई साहब बारिश क्या ही कहना, लगातार 4 घंटे से बारिश हो रही है। ये रही अपनी कोच बीवर। तो भाई अपनी ट्रेन लगभग 15 मिनट मंचिया रेलवे स्टेशन पर रुकने के बाद निकल चुकी है। वैसे भाई बरसात के समय में ट्रैवल करने का बात ही अलग होता है, मज़ा आता है ट्रेन जर्नी करने में। नेक्स्ट मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइस। अभी सुबह के बज रहे 9:15, तो अभी ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका है। वैसे नवजीवन एक्सप्रेस में ब्रेकफास्ट मतलब आपको मतलब 4 ऑप्शन मिलता है, एक वेज कटलेट, उपमा, पोहा और इडली वड़ा। ये 4 चीज आपको ब्रेकफास्ट में इस ट्रेन में मिलेगा। वैसे फिलहाल अभी मैं बाहर में ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, उसके पीछे रीजन ये है कि अभी भी लोग मतलब सो रहे हैं और पर्दा वगैरह लगा हुआ तो अंधेरा है। अपना सीट क्या है भाई, ऊपर वाला सीट है, ऊपर वाला सीट पे बैठ कर ब्रेकफास्ट करना समझ रहे हैं। और आपको दिखाना, ब्रेकफास्ट तो कर सकते हैं लेकिन आपको दिखा नहीं सकते, इस वजह से बाहर अभी जो स्टाफ का सीट है उस पर हम लोग अभी कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। वो हमने लिया है उपमा और पोहा, ये मुझे पड़ा 40-40 का। वेज कटलेट भी आपको 40 का ही पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं उपमा पोहा इस ट्रेन का कैसा है। ये रहा अपना पोहा भाई, देखने में तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है यार। और ये है उपमा, ये भी सही लग रहा है और बिल्कुल गर्म है भाई। तो चलिए फटाफट इसे खाते हैं। पहले हम लोग अभी ट्राई करेंगे पोहा। सही है, पोहा के साथ ये दिया गया है अचार मैंगो का, लेकिन अचार तो हम खाते नहीं है। पोहा सही है भाई, हाँ 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 मजा आ गया। अब हम लोग ट्राई करते हैं उपमा। चलिए फटाफट हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। वैसे ही इस ट्रेन का भाई खाना हो, ब्रेकफास्ट हो, सब A1 है। ठंडा नॉर्मल नहीं, एक नॉर्मल नॉर्मल ही है अभी ठंडा। चलो ये अच्छी बात है भाई, इस ट्रेन में सिर्फ रेल नील के अलावा दूसरा पानी नहीं बेचा जा रहा है, अच्छी बात है। टाइम हो रहा है 12:20 और अपना लंच आ चुका है। लेकिन एक समस्या है, समस्या ये कि भाई अपर बर्थ है तो अब खाएं तो खाएं कैसे। वैसे मैं आपको दिखा तो सबसे अच्छी बात क्या है मालूम है भाई, खाने के साथ ही बिल भी आ रहा है। ये है मेरा वेज थाली और ये अंकल का है वेज थाली। देखिए इनको भी बिल मिला है खाने के साथ ही, अंदर में बिल, ये अंदर बिल है, बिल देखिएगा, ये देखिए बाद में कोई बिल दिखाइएगा सही रहेगा। तो ये सही चीज है भाई, थाली में ही बिल दिया जा रहा है। लेकिन समस्या ये है कि भाई खाए तो खाए कैसे। अब अंकल सोए हुए, इधर सोए हुए, अंकल का मिडिल बर्थ है, मेरा अपर बर्थ है, ऊपर वाला का ऊपर है। अब नीचे में जगह मिल गया है, तो चलिए अब क्या करते हैं लंच को करते हैं अनबॉक्स। और साथ में अंकल भी आज ट्राई करने वाले हैं वेज थाली। वैसे तो घर से लेके आए थे ये खाना, ये बोले थे लंच ट्राई करेंगे। चलिए फटाफट हम लोग अनबॉक्स करते हैं, फिर टेस्ट के बारे में ना अंकल से ये पूछेंगे, यही बताएंगे कि खाना कैसा है क्वालिटी। मतलब रात में यही सब्जी दी गई थी, चने की सब्जी, फिर से वही सब्जी को रिपीट किया गया है। और ये दाल है मूंग दाल, प्लेन राइस। तो सेम खाना हम लोग रात में डिनर में किए थे, तो अंकल तो अभी पहली बार ट्राई कर रहे हैं।
दाल ट्राई इन्होंने कर लिया, कैसा लग रहा है दाल? नमक थोड़ा कम है। ठीक है, ठीक है। और ये सब्जी आलू चने की सब्जी वो भी सही है, स्पाइसी ज़्यादा है या नॉर्मल है? नहीं नहीं, गुड गुड। और दोनों गर्म है? हाथ भी गर्म है। हाँ सही, थोड़ी ठंडी हो गई। थोड़ी ठंडी हो गई, चलिए कोई बात नहीं। हम लोग लंच को करते हैं, वैसे सेम डिनर में भी सेम चीज़ था और अभी भी वही चीज़ है। इस ट्रेन में यही है कि बस आपको वेज खाना मिलेगा, नॉन वेज नहीं मिलेगा। और खाना भाई इस ट्रेन का सही में अच्छा है, आप ट्राई कर सकते हो। चलिए फटाफट हम लोग करते हैं कंप्लीट लंच को। भाई लगभग 1660 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 37वां हॉल्ट सूरत रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है ST। और यहां पे इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है और हजरत उडनिया पहुंची है बिल्कुल ऑन टाइम। रात में भाई 2 घंटे से अधिक ट्रेन डिले हो गई थी, लेकिन देखिए सूरत आते आते ट्रेन बिल्कुल पंक्चुअल हो चुकी है। वैसे सूरत में 4 प्लेटफॉर्म है और ये जो रेलवे स्टेशन है ना, ये बेस्ट रेलवे जोन का A1 कैटेगरी का रेलवे स्टेशन है। तो चलिए अब मैं आपको इस ट्रेन का मतलब नवजीवन एक्सप्रेस की कोच कंपोजिशन और फेयर के बारे में बताता हूँ। ये जो ट्रेन है ना, ये चलती है 2 जनरल क्लास, 8 सुपर क्लास, 6 थर्ड AC, 1 सेकेंड AC, 1 HA1 कोच और 1 M1 मतलब 3 AC इकोनॉमी कोच के साथ चलती है। साथ ही इसमें एक पेंट्री कोच भी है। अगर मैं फेयर की बात करूँ, अगर आप चेन्नई सेंट्रल से अहमदाबाद तक इस ट्रेन में जर्नी करते हैं स्लीपर क्लास में, इन टू इन जर्नी करते हैं, उसका फेयर आपको पड़ेगा लगभग 760 रुपया। अगर आप थर्ड एसी में जर्नी करते हैं जिसमें मैं जर्नी कर रहा हूँ, तो उसका फेयर आपको पड़ेगा 980 रुपया मतलब 1980 रुपीज़। और इस प्राइस में टिकट प्राइस में फूड रहेगा, और इस टिकट प्राइस में फूड वगैरह इंक्लूड नहीं है। एंट्री कोच है तो वहाँ से वेज थाली ले सकते हैं, क्योंकि वेज के अलावा इसे दूसरा ऑप्शन नहीं है, वो भी वेज की थाली सिर्फ 80 की मिलती है। भाई अब हम लोग आ चुके हैं वॉशरूम में, और वॉशरूम में आते हैं कि सामने में आपको देखने को मिलेगा एक बड़ा सा मिरर, सही है, ऊपर लाइट दिया गया है, इसमें लिक्विड सोप है, पूरी जर्नी कोई दिक्कत नहीं हुआ, पानी भी आ रहा है। बीच में थोड़ी देर के लिए क्या हुआ था कि पानी आना बंद हो गया था जब ट्रेन निकली थी चेन्नई सेंट्रल से, 4-5 घंटा के लिए पानी नहीं आ रहा था, उसके बाद फिर पानी फिल किया गया, तब जाके पानी की समस्या अभी तक नहीं हुई। फिलहाल नीचे डस्टबिन है, और अच्छी बात है कि हर वॉशरूम में थर्ड एसी के हर वॉशरूम में टॉयलेट पेपर भी है, और ये फिटकरी ये डाला जाता है ना कि ताकि बदबू ना दे वाशरूम में, ये भी डाला हुआ है। तो सही है वाशरूम का कंडीशन इस ट्रेन का भाई बढ़िया है। वाशरूम का छोड़िए भाई, कोच का भी कंडीशन काफी बढ़िया है, बहुत मतलब मेंटेन किया जा रहा है। हमने देखा भाई अभी तक 28 घंटा का जर्नी कर लिया, 28 घंटा की जर्नी में कम से कम 8 से 9 बार आए थे साफ सफाई करेंगे, कोच का साफ सफाई किया जा रहा है, प्रॉपर वीडियो बनाया जा रहा है साफ सफाई का, मतलब मजा आ गया इस ट्रेन का साफ सफाई देख कर ना भाई, क्या ही बताया। तो देखिए अभी साफ सफाई की हम लोग बात कर रहे थे, और देखिए ये 10वीं बार है फिर से साफ सफाई किया जा रहा है, बहुत बढ़िया है भाई, सही है। लगभग 1790 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं बड़ोदरा जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है PRC, और यहाँ पर ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग ट्रेन यहाँ पहुंची है 10 मिनट डिले। चलिए यहाँ से लेते हैं। वैसे जब भी आप बड़ोदरा आ रहा तो यहाँ का दाल पकौड़ा जरूर ट्राई करें, लेकिन भाई दाल पकौड़ा खराब हो गया, दाल पकौड़ा मिलता है यहाँ लेकिन अभी ख़त्म है फिलहाल, क्योंकि क्या है कि अपनी कोच पीछे है, एक ही स्टॉल यहाँ पे देखा तो ये ले लेते हैं 0 ड्रिंक्स भाई, पी के मज़ा आ गया। वैसे इस ट्रेन के 40% पैसेंजर जो है वो डिबोर्ड किए हैं वडोदरा रेलवे स्टेशन में, अब बस 60% पैसेंजर बचे हुए हैं जो कि लास्ट तक जाएंगे अहमदाबाद तक। बगल खिलाए एक, देखो क्या हो गया, झोला छोला छूट गया। आराम से उतरिएगा, बैग छूट गया।
सो गाइस, तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अहमदाबाद रेलवे स्टेशन और ट्रेन जो है हम लोग को पहुंचाई है यहाँ 10 मिनट डिले, जिससे आपको इस ट्रेन के बारे में पता चल गया होगा कि नवजीवन एक्सप्रेस कितनी पंक्चुअल है। वैसे अगर मैं साफ़ सफाई की बात करूँ तो भाई साहब, इतनी सारी ट्रेन में हमने जर्नी किया लेकिन इस ट्रेन का जो साफ़ सफाई है ना, बहुत ही बढ़िया मुझे लगा। काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया भाई, चाहे वाशरूम का कंडीशन हो चाहे कोच का कंडीशन हो। वाशरूम में क्या है कि जब ट्रेन हम लोग की निकली थी चेन्नई सेंट्रल से, तो 4 घंटा तक पानी नहीं था मेरे कोच में, फिर बाद में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। चलिए अब बात करते हैं मेन मुद्दे पे, खाना पे, ठीक है। तो वेज थाली का ऑर्डर लिया जा रहा था, 150 की थाली दी जा रही थी मुझे। जब हमने बोला भैया इसका बिल दीजिए, तो भैया बोले कि नहीं बिल तो नहीं हो पाएगा। तो हम बोले तो बिल नहीं हो पाएगा तो फिर हम खाना कैसे खाएंगे। फिर हमने बोला कि भाई 80 की थाली होती है, आपने 150 क्यों बोला। बोला कि 80 की थाली होती है, आपने हमको बोला क्यों नहीं। बोले भाई हम बोलेंगे कि आप बोलिएगा कि मेरे पास 80 की भी थाली है, 150 की भी थाली है, तो आपका काम है बोलना ना। अब हम पैसेंजर हैं, हम थोड़ी बोलेंगे डायरेक्ट कि भैया मुझे 80 की थाली दीजिए। तब भैया ने 80 की थाली ला के दी, उसमें फिर दही मिसिंग था। हम बोले भैया दही कहाँ है, तो फिर दही ला के दिए। बोले टिश्यू पेपर कहाँ है, टिश्यू पेपर ला के दिए। ध्यान रखिएगा, इस ट्रेन में जर्नी कीजिएगा तो खाना में थोड़ा सा स्कैम है, अदरवाइज भाई खाना में क्वालिटी एक नंबर है। पेंट्री का खाना नो डाउट, अगर ब्रेकफास्ट कीजिएगा, स्नैक्स लीजिएगा, डिनर लंच जो भी आप कीजिएगा ना, काफ़ी बढ़िया है। पेंट्री का खाना इस ट्रेन का आप आँख बंद करके खा सकते हैं, लेकिन वही है बिल लीजिएगा खाने का। उन्हें बोलिएगा कि मुझे 80 वाली थाली चाहिए, अगर वो थाली नहीं देंगे, बिल नहीं देंगे, तो सिंपल है 139 पे डायरेक्ट कॉल कीजिए और उनको बोलिए कि इस ट्रेन में मैं जर्नी कर रहा हूँ, पेंट्री के स्टाफ मुझे वेज थाली नहीं दे रहे हैं, 80 की थाली नहीं दे रहे, 150 की थाली दे रहे हैं और 150 का बिल भी नहीं दे रहे हैं, ये सीन है। तो चलिए आज की जर्नी को यहीं रखते हैं, मिलते हैं अगले जर्नी में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और लगातार इसी तरह अपने भाई के साथ जर्नी करते रहें। सी यू सून, टिल देन पीस, बाय। और हाँ, प्यार करते हैं आपसे, लव यू।